तो अगर इसके बेसिस पर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये जो थर्ड कैंडल है इसके ऊपर यानी यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो छोटी वाली कैंडल है हमारी अबेंडेंट बेबी इसके नीचे होगा। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जहां से आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्स कर सकता है या फिर आप अपने 2 times के स्टॉप लॉस का टारगेट लेकर चल सकते हैं। दोस्तों ये हमारे फ्री कैंडलस्टिक कोर्स की फाइनल वीडियो है जिसमें हम आपको सभी ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बताने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम 2 videos बना चुके हैं जिसमें हमने आपको सभी सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स और सभी डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में सिखाया है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है मॉर्निंग स्टार। इसके नाम के पीछे का रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले मैं आपको बता दूं कि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो जब भी मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा आप समझ जाएंगे कि अब यहां से शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। और इसके साथ ही मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो जनरली डाउन ट्रेंड में बनते हैं। तो ये जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है ये भी डाउन ट्रेंड में बनता है और ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। और इवन इस वीडियो में हम आपको जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताने जा रहे हैं वो ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न्स ही है। तो यहां पर क्योंकि ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है तो इसमें 3 candles हैं जिसकी पहली जो कैंडल बनती है वो हमेशा एक लंबी लाल कलर की कैंडल होती है यानी वो एक बेयरिश कैंडल होती है। और क्योंकि स्टॉक इससे पहले डाउन ट्रेंड में था तो ये जो रेड कलर की कैंडल है इसमें भी शेयर की प्राइस गिर रही होती है। इसके बाद एक इस तरीके की कैंडल बनती है जो कि बहुत छोटी होती है। और अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको डोजी कैंडल के बारे में बताया था और स्पिनिंग टॉप के बारे में बताया था। तो ये जो हमारी सेकंड कैंडल होती है ना ये डोजी या स्पिनिंग टॉप जैसी ही बनती है और इसका कलर ग्रीन या रेड में से कुछ भी हो सकता है। अभी फिलहाल हमने आपको ग्रीन कलर का दिखाया है लेकिन अगर ये रेड कलर का हो तब भी ये एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न ही होगा। और इस सेकंड कैंडल के बनने के बाद जो हमारी थर्ड कैंडल बनती है वो एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल होती है। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो हमारी थर्ड कैंडल बनती है ना वो एक गैप अप ओपनिंग के साथ बननी चाहिए तभी हम इसको मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंसीडर करेंगे। अब इसका जो मॉर्निंग स्टार नाम है उसके पीछे का रीजन भी मैं आपको बता दूं तो देखो इसके पीछे का रीजन है ये हमारी जो बीच वाली कैंडल है ना ये कैंडल क्योंकि बहुत ही ज्यादा छोटी है और कई बार ये डोजी कैंडल होती है जो कि कुछ इस तरीके की दिखाई देती है तो इसको हम स्टार बोलते हैं। और क्योंकि इस कैंडल के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ रही है तो इसलिए इसका नाम मॉर्निंग स्टार रखा गया है। तो चलिए अब आपको समझ आ गया कि मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता कैसे है तो अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि ये जो मॉर्निंग स्टार पैटर्न है ये डाउन ट्रेंड में बनता है यानी इसके बनने से पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी। तो देखो पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी उसके बाद एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है जिसमें भी शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा गिरती है यानी यहां पर जो सेलर्स थे वो एक स्टॉक में बहुत ज्यादा एक्टिव थे यानी ज्यादा लोग सेल कर रहे थे। लेकिन इसके बाद एक छोटी इस तरीके की कैंडल बनती है जिसमें प्राइस बहुत ज्यादा मूव नहीं करती है तो इससे हमें यह पता चलता है कि जहां पहले इस स्टॉक में सेलर्स ज्यादा एक्टिव थे अब इसमें बायर्स भी एक्टिव हो रहे हैं और बायर्स भी अब इस स्टॉक में आ चुके हैं। और इसके बाद जैसे ही थर्ड कैंडल में शेयर की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती है तो इससे हमें यह समझ आ जाता है कि अब बायर्स का डोमिनेंस एक स्टॉक में आ चुका है तो यानी यहां पर अब ज्यादा लोग बाय करने लगे हैं तो इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो इस तरीके से मॉर्निंग स्टार पैटर्न काम करता है। तो चलिए अब इसके बेसिस पर ट्रेड लेना भी सीख लेते हैं। तो अगर आप मॉर्निंग स्टार के बेसिस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि पहले शेयर की प्राइस गिर रही होगी उसके बाद मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनेगा और यहां पर ये ग्रीन कलर की कैंडल है। अगर ये रेड कलर की भी होगी तो भी इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर अब आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने मॉर्निंग स्टार कैंडल को आइडेंटिफाई कर लेना है और उसके बाद जैसे ही हमारी थर्ड कैंडल बनती है ना तो इसके ऊपर आपने यहां कहीं पर एंट्री ले लेनी है। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो जो आपकी सेकंड कैंडल थी ना इसके नीचे यानी यहां पर होगा। और टारगेट के लिए हमने आपको इससे पहले वाले पार्ट्स में भी बताया है कि जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल नहीं मिल जाता है जिससे आपको लगता है कि अब शेयर की प्राइस गिर सकती है आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं या फिर आप अपने स्टॉप लॉस के 2 times का टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक सीखना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर एक कोर्स बना रखा है जिसमें टोटल 46 videos हैं। और वहां पर अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आप
सीख सकते हैं। हमारे कोर्स के लिए आप नीरज जोशी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि मेरी एक बुक भी है बी ए स्टॉक मार्केट मिलियनर, जो कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मैंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे किया, कैसे मैंने कैपिटल का इंतजाम किया और कैसे आप खुद स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, तो ये सब कुछ सीखने के लिए आप हमारी बुक बी ए स्टॉक मार्केट मिलियनर को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। तो ये था मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब समझते हैं इसके जस्ट अपोजिट इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, जो कि एक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। यानी इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। और इसके साथ ही अगर आपने हमारी इससे पहले की दो वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि ज्यादातर जो बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं वो अप ट्रेंड में बनते हैं। अब इस कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम इवनिंग स्टार क्यों है वो तो अभी तक आप समझ ही गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको आगे बता दूंगा। पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन कैसे रहा है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हमें ये पता करना है कि कोई कैंडलस्टिक पैटर्न इवनिंग स्टार है या फिर नहीं, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि सबसे पहली वाली जो कैंडल उसमें बननी चाहिए वो एक ग्रीन कलर की बड़ी कैंडल होनी चाहिए, कुछ इस तरीके की। उसके बाद जो हमारी सेकंड कैंडल बननी चाहिए वो एक बहुत ही छोटी कैंडल होनी चाहिए, जो कि यहां पर तो हमने रेड कलर में शो की है लेकिन वो ग्रीन कलर की भी हो सकती है या फिर इस तरीके की एक डोजी भी हो सकती है। और इसके बाद जो हमारी थर्ड कैंडल है वो एक बड़ी रेड कलर की कैंडल होनी चाहिए, जो कि गैप डाउन ओपनिंग के साथ बननी चाहिए। लेकिन इसके साथ ही यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि जो सेकंड कैंडल के बाद थर्ड कैंडल बन रही है ना, इसमें एक गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। यानी इसकी प्राइस जैसे यहां पर ओपन हुई थी और यहां पर क्लोज हुई, तो अगली वाली जो प्राइस है वो हमारी यहां पर ओपन हुई और यहां पर क्लोज हुई, तो यहां पर बीच में आपको एक गैप नजर आ रहा है। तो इसी तरीके से जो हमारी थर्ड कैंडल है उसमें एक गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए। और जब इस तरीके का कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो उसको हम इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर करते हैं। और इसमें जो बीच वाली हमारी कैंडल है इसको स्टार माना जाता है, और क्योंकि इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस गिर रही है तो इसलिए ये एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो अब आपको समझ आ गया है कि ये इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कैसे बनता है। तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। वैसे मैं जानता हूं कि अब आपको साइकोलॉजी भी थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी। तो देखिए, ये जो हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है ये सबसे पहले अप ट्रेंड में बन रहा है, तो यानी इससे पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, यहां पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव थे। इसके बाद एक बड़ी हमारी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, तो इससे भी हमें पता चलता है कि यहां पर बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव हैं। लेकिन इसके बाद एक इस तरीके की छोटी रेड कैंडल या फिर ग्रीन कैंडल बनती है, बस मैटर ये करता है कि कैंडल छोटी होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि यहां तक तो इस स्टॉक में बायर्स एक्टिव थे, लेकिन इस वाली कैंडल में सेलर्स भी इस स्टॉक में आ चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने शेयर की प्राइस को बढ़ने नहीं दिया है और कैंडल ज्यादा बड़ी नहीं बनी है। और इसके बाद जैसे ही थर्ड कैंडल बनती है और उसमें गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो इससे हमें पता चलता है कि अब सेलर डोमिनेंट हो गए हैं। पहले जहां इस स्टॉक में बायर्स ज्यादा थे और यहां पर आने के बाद बायर्स और सेलर्स लगभग एक बराबर हो गए थे, यहां पर आने के बाद जो सेलर्स हैं वो ज्यादा डोमिनेंट हो गए हैं, तो इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो अब अगर आप इसके बेसिस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो ट्रेड आप कैसे ले सकते हैं, चलिए अब ये भी जान लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन तीन कैंडल को मिलाकर हमारा एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है। तो अब अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो क्योंकि ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है तो यहां पर आप शॉर्ट सेल करने का ही ट्रेड लेंगे, तो वो आप ये जो हमारी थर्ड वाली कैंडल है इसके नीचे यानी यहां पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो जो हमारी बीच वाली कैंडल है इसके ऊपर, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जिससे आपको लगे कि अब ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, तो वहां तक का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं या फिर अपने स्टॉप लॉस के 2 times का आप टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो ये था हमारा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। अब थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमने जो आपको 3 videos में सारे कैंडलस्टिक पैटर्न सिखा दिए हैं वो भी बिल्कुल फ्री में, वही कैंडलस्टिक पैटर्न के कोर्स को एक वेबसाइट में 15,000 रुपए में बेचा जा रहा है, और इसके अलावा भी बहुत सारे यूट्यूबर्स 4,000 से 5,000 रुपए में इसे सेल कर रहे हैं। लेकिन हम आपको बिल्कुल फ्री में कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स करा रहे हैं, तो इसके रिटर्न में हम आपसे बस इतना चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस या फिर इंस्टाग्राम स्टेटस पे शेयर कर दें। और अगर इंस्टाग्राम पे शेयर करोगे तो मुझे टैग भी करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा ये जानकर। अब इसके बाद जो हमारा थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बुलिश अबेंडेंट बेबी। अब इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि डाउन
डाउन ट्रेंड में बनता है ये तो आप समझ ही गए हैं, लेकिन इसके नाम में जो एबेंडेंट बेबी है उसका मतलब क्या है वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। पहले ये समझ लेते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है। तो देखिए ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए तीन तरह की कैंडल बनती है। यहां पर एक बार ध्यान से देखो, आपको साफ साफ ये बिल्कुल मॉर्निंग स्टार लग रहा होगा, इसमें कोई भी फर्क आपको नजर आएगा ही नहीं। फर्क बहुत ज्यादा ढूंढ के जब मैं बताऊंगा तभी आपको फर्क समझ आएगा, अदरवाइज ये पूरा का पूरा मॉर्निंग स्टार ही है, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। क्योंकि इसमें पहली कैंडल आप देखोगे तो उसी तरीके से जैसे मॉर्निंग स्टार में रेड कलर की कैंडल थी वैसे ही यहां पर रेड कलर की कैंडल है। इसके बाद जो दूसरी कैंडल आप देखोगे यहां पर भी मैंने आपको बताया था कि यह ग्रीन कलर की भी हो सकती है, रेड कलर की भी हो सकती है, या फिर इस तरीके की डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न भी हो सकती है। तो यहां पर ये बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके बाद जो थर्ड कैंडलस्टिक पैटर्न है वो मैंने आपको बताया था कि वो एक ग्रीन कलर की कैंडल होनी चाहिए जो कि बड़ी होनी चाहिए, जो कि इस केस में भी बिल्कुल सेम है। इसके अलावा मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न भी बुलिश था, ये भी बुलिश है, वो भी डाउन ट्रेंड में बनता था, ये भी डाउन ट्रेंड में बनता है। तो अब इन दोनों के बीच में फर्क क्या है? तो फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो हमारा बुलिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न है इसमें जो हमारा बीच वाली जो कैंडल बनती है जो कि डोजी कैंडल बनी है इसके और इससे पहले वाली कैंडल के बीच में एक गैप डाउन ओपनिंग होती है, और इसके बाद जो हमारा ग्रीन कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है उसमें भी एक गैप अप ओपनिंग होती है, जिससे ये वाला जो हमारा बीच वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है ये इन दोनों कैंडल्स के काफी नीचे होता है, यानी इनके बीच में गैप ज्यादा होता है, मतलब इसमें गैप ज्यादा होता है, इसीलिए ये एक एबेंडेंट बेबी है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये दोनों पेरेंट्स हैं जिन्होंने अपने बच्चे को छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वो काफी नीचे है। ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ और आप सिर्फ समझ जाएं और आपको याद रहे इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से ये हमारा बुलिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। तो हमारा जो बुलिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न है और जो मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बीच में बस इतना ही डिफरेंस है। और यहाँ पर कई बार हो सकता है कि ये एक रेड कलर की कैंडल बनी है उसके बाद एक डोजी बने, और हो सकता है कि यहीं पर एक और छोटी डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाए, मतलब बीच में दो कैंडल्स भी आ सकती हैं, तब भी उसको एक बुलिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न ही कंसीडर किया जाएगा। और क्योंकि ये हमारा बिल्कुल मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही बनता है तो यहां पर हम ट्रेड भी बिल्कुल मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह ही ले सकते हैं। तो अगर इसके बेसिस पर आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो ये जो थर्ड कैंडल है इसके ऊपर यानी यहां पर आप एंट्री ले सकते हैं, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो छोटी वाली कैंडल है हमारी अबंडेंट बेबी इसके नीचे होगा। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जहां से आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्स कर सकता है या फिर आप अपने 2 times के स्टॉप लॉस का टारगेट लेकर चल सकते हैं। तो ये था बुलिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न। तो चलिए अब बात करते हैं बेयरिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो कि बिल्कुल सिमिलर है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह। आपको पता है कि इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न था, तो देखिए ये भी एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। और आपको पता है कि जो भी बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो कहां पे बनते हैं? वो अप ट्रेंड में बनते हैं, तो देखिए ये भी अप ट्रेंड में ही बन रहा है। इसके बाद डिफरेंस रह जाता है कलर्स में कैंडल के। तो यहां पे देखिए जो हमारा इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न था उसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन थी, इसमें भी ग्रीन है। सेकंड कैंडल एक छोटी सी कैंडल थी जिसका कोई भी कलर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहां पे भी बिल्कुल सिमिलर है। और इसके बाद जो थर्ड कैंडल थी वो एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए थी जो कि इस केस में भी बिल्कुल सिमिलर ही है। तो फर्क सिर्फ गैप का ही है। इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न में ये जो गैप होता है ये थोड़ा कम होता है, जबकि जो बेयरिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न है इसमें गैप ज्यादा होता है, जिससे ये जो हमारी थर्ड वाली कैंडल होती है ये इन दोनों कैंडल्स से काफी ऊपर होती है, जिसकी वजह से ये जो कैंडल है ये अलग नजर आती है। और क्योंकि ये बिल्कुल अलग है इसीलिए हम इसको अबंडेंट बेबी बोलते हैं। तो बेयरिश अबंडेंट बेबी बनने के लिए ये जो हमारी सेकंड कैंडल है ना इसमें गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वाली कैंडल यहां पर ओपन हुई थी, यहां पर क्लोज हुई, जबकि इसके बाद वाली कैंडल यहां पर ओपन हुई है तो इसमें एक गैप अप ओपनिंग हुई है। और इसके बाद जो हमारी थर्ड कैंडल बनती है इसमें गैप डाउन ओपनिंग होनी चाहिए, तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली जो कैंडल है ये यहीं पर क्लोज हो गई थी और ये वाली कैंडल यहां पर ओपन हुई है, तो इसमें एक क्लियर गैप डाउन ओपनिंग हुई है, जिसकी वजह से ये जो हमारी बीच वाली कैंडल है ये बिल्कुल अलग नजर आ रही है। तो बस इतना ही डिफरेंस है इवनिंग स्टार और ये जो हमारी बेयरिश अबंडेंट बेबी है इसमें। तो इस तरीके से बेयरिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। और इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो भी इवनिंग स्टार की तरह बिल्कुल सेम है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक है वो अप ट्रेंड में है, यानी यहां पर शेयर की प्राइस बढ़ रही है। इस वाली कैंडल में भी शेयर की प्राइस अच्छी खासी बढ़ती है, लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल है उसमें भी शेयर की प्राइस ओपन तो एक गैप के साथ होती है,
यानी यहाँ पर प्राइस बढ़ती है, लेकिन इसके बाद इस स्टॉक में बहुत सारे सेलर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बायर्स भी बहुत ज्यादा हैं, सेलर्स भी बहुत ज्यादा हैं, तो प्राइस ज्यादा बढ़ नहीं पाती है। और उसके बाद ये जो एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर अब सेलर ज्यादा डोमिनेंट हो गए हैं, तो यानी ज्यादा लोग सेल करने लगे हैं, तो इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो अब अगर आप इसके बेसिस पर ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे ले सकते हैं, चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि एक बियरिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रखा है, तो यहाँ पर क्योंकि ये एक बेरिश पैटर्न है तो आप शॉर्ट सेल करने का ही ट्रेड लेंगे। तो वो शॉर्ट सेल करने का ट्रेड आप कहां पर लेंगे, ये जो थर्ड वाली कैंडल है इसके नीचे, यानी यहां पर आप शॉर्ट सेल कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है वो जो हमारा बेरिश अबंडेंट बेबी है इसके ऊपर, यानी यहां पर आप अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। तो ये था बेरिश अबंडेंट बेबी कैंडलस्टिक पैटर्न। अब मैंने आपको बेरिश अबंडेंट बेबी और इवनिंग स्टार के बीच में तो डिफरेंस बता दिया है, लेकिन अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि बुलिश अबंडेंट बेबी और बेरिश अबंडेंट बेबी के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आपको सही आंसर पता है तो अभी के अभी कमेंट करें, और अगर आपको आंसर नहीं पता है तो एक बार इस वीडियो को थोड़ा पीछे से देख लो, ताकि आपको जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा, और ये आंसर हमने इस वीडियो में दिया है। और हाँ, अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो सभी डीमैट अकाउंट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिए गए हैं, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका नाम है 3 White Soldiers। इसके नाम के पीछे का जो रीजन है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले ये समझ लेते हैं कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनता कैसे है और ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले तो ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं, और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये डाउन ट्रेंड में बनता है, यानी प्राइस गिरने के बाद बनता है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि शेयर डाउन ट्रेंड में था, शेयर की प्राइस गिर रही थी, उसके बाद हमारी सबसे पहले एक कैंडल बनती है जो कि एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है, उसके बाद एक दूसरी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, और उसके बाद एक तीसरी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। यानी ये जो 3 White Soldiers हैं, इसमें तीनों जो कैंडल होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं और वो बड़ी होती हैं। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो सेकंड कैंडल बन रही है ना, उसकी कैंडल उससे पहले वाली कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर होनी चाहिए। तो ये वाली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई, यहाँ पर क्लोज हुई, अगली वाली यहाँ पर ओपन हुई लेकिन इससे ऊपर इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए, तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। उसके बाद अगली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई है और इसकी क्लोजिंग भी इससे पहले वाली कैंडल के ऊपर होनी चाहिए, तो इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। तो तीनों ही कैंडल्स की जो क्लोजिंग है वो एक दूसरे के ऊपर होनी चाहिए, तभी जाकर ये 3 White Soldiers कहलाएंगे। और इसका नाम 3 White Soldiers इसलिए ही है क्योंकि यहाँ पर आप ग्रीन और रेड कलर का चार्ट देख रहे हैं, लेकिन एक व्हाइट एंड ब्लैक कलर का भी चार्ट होता है, जिसमें जो ग्रीन कैंडल होती हैं वो व्हाइट कलर की होती हैं, जो रेड कैंडल होती है वो ब्लैक कलर की होती हैं। और क्योंकि यहाँ पर तीन बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बन रही हैं जो कि ब्लैक एंड व्हाइट चार्ट में व्हाइट कलर की होती हैं, इसलिए इसे 3 White Soldiers कहा जाता है। तो अब आपको समझ आ गया है कि ये कैंडलस्टिक पैटर्न बन कैसे रहा है, तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो हमारे 3 White Soldier कैंडलस्टिक पैटर्न है, ये पैटर्न सबसे पहले डाउन ट्रेंड में बन रहा है, तो इससे पहले शेयर की प्राइस गिर रही थी। जब शेयर की प्राइस गिर रही थी तो उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, उसके बाद दोबारा से एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि इससे पहले वाली कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज होती है, उसके बाद तिबारा से एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि इससे पहले वाली कैंडल के ऊपर जाकर क्लोज होती है। तो इससे हमें यह पता चलता है कि पहले जहां पर इस स्टॉक में बहुत ज्यादा सेलर्स एक्टिव थे, अब अचानक से बहुत ज्यादा बायर्स आ चुके हैं जो कि शेयर की प्राइस को ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो इसके बाद शेयर की प्राइस और ज्यादा बढ़ सकती है। तो अब अगर आप इसमें ट्रेड लेना चाहते हैं तो यहां पर जो ये थर्ड वाली कैंडल है, आप इसके ऊपर यानी यहां पर कहीं पर एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो फर्स्ट वाली कैंडल है इसके नीचे होगा, लेकिन मान लीजिए अगर कैंडल बहुत ज्यादा बड़ी है तो आप अपना स्टॉप लॉस ये जो थर्ड वाली कैंडल है ना इसके नीचे यानी यहां पर भी रख सकते हैं। और इसके बाद टारगेट के लिए आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, वो मैंने आपको कई बार बता ही दिया है। तो ये था 3 White Soldier कैंडलस्टिक पैटर्न। अब बात करते हैं इसके जस्ट अपोजिट 3 Black Crows कैंडलस्टिक पैटर्न की। तो ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, और बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न जनरली अप ट्रेंड में बनते हैं, ये भी आप जानते हैं। तो ये जो 3 Black Crows कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, इसमें तीनों ही कैंडल रेड कलर की बनती है। आप देख सकते हैं कि पहले शेयर अप ट्रेंड में था, उसकी प्राइस बढ़ रही थी, उसके बाद एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनी,
उसके बाद एक दोबारा से बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है और उसके बाद तिबारा से एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि जो पहली रेड कलर की कैंडल बनती है वो यहाँ पर ओपन हुई है, यहाँ पर क्लोज हुई है, तो अगली वाली जो रेड कलर की कैंडल है वो उससे नीचे क्लोज होनी चाहिए। तो देखिए ये वाली कैंडल यहाँ पर ओपन हुई थी और इससे पहले वाली कैंडल के नीचे यानी यहाँ पर क्लोज हुई है, और इसके बाद वाली कैंडल में भी वो यहाँ पर ओपन हुई थी और इसके नीचे यहाँ पर जाकर क्लोज हुई है, जो कि इससे पहले वाली कैंडल के नीचे का क्लोज है। तो जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो आप समझ सकते हैं कि ये एक 3 ब्लैक क्रो पैटर्न है और इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी की बात करें तो पहले स्टॉक अप ट्रेंड में था, यानी यहाँ पर शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा बायर्स थे, लेकिन उसके बाद एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं। उसके बाद दोबारा से एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर सेलर्स डोमिनेंट हो गए हैं, मतलब अब बहुत ज्यादा लोगों ने सेल करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद तिबारा से एक बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है तो इससे हमें क्लियर इंडिकेशन मिल जाता है कि यहाँ पर सेलर्स अब ज्यादा एक्टिव हो चुके हैं, तो इसके बाद शेयर की प्राइस गिर सकती है। और अगर आप इसमें अब ट्रेड लेना चाहते हैं तो वो आप कैसे ले सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहले शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, उसके बाद एक 3 ब्लैक क्रो कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, तो यहाँ पर अगर आप शॉर्ट सेल करना चाहते हैं, क्योंकि ये बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, तो यहाँ पर आप शॉर्ट सेल ही कर सकते हैं। तो वो शॉर्ट सेल आप यहाँ पर करेंगे, आपका जो स्टॉप लॉस है वो वैसे आप यहाँ पर रख सकते हैं अपना स्टॉप लॉस, लेकिन मान लीजिए क्योंकि ये बड़ी बड़ी कैंडलस्टिक पैटर्न है तो अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो रहा है तो आप अपना स्टॉप लॉस चाहें तो ये जो थर्ड वाली कैंडल है इसके ऊपर भी रख सकते हैं। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जिससे आपको लगता है कि ट्रेंड रिवर्स कर सकता है, वहां तक आप अपना टारगेट लेकर चल सकते हैं। अब नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं ना, तो हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर बिल्कुल एक फ्री प्लेलिस्ट बना रखी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, तो वहां से आप इंट्राडे ट्रेडिंग सीख सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक। इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और ये कुछ इस तरीके का बनता है, लेकिन यहां पर आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ये एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं बल्कि ये एक 4 कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी 4 कैंडल्स मिलकर इस पैटर्न को बनाती हैं, जिसमें ये जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो 3 कैंडलस्टिक पैटर्न है ये कुछ जानी पहचानी लग रही हैं, क्योंकि ये इससे पहले भी मैंने आपको बताई थी जो कि हैं 3 व्हाइट सोल्जर्स, तो ये बिल्कुल 3 व्हाइट सोल्जर्स ही हैं। और इसके बाद एक इतनी बड़ी रेड कलर की कैंडल बनती है जो कि इन 3 कैंडल्स ने जो इससे पहले गेन दिया होता है उसको पूरा रिट्रेस कर देती है। मतलब मान लो अगर यहाँ पर शेयर की प्राइस 100 रुपये थी, उसके बाद बढ़कर अगर 120 रुपये चली गई, यहाँ पर 140 चली गई और यहाँ पर अगर 150 रुपये जाती है, तो उसके बाद प्राइस वापस से इतना ज़्यादा नीचे गिरती है कि वो वापस से 100 रुपये के आसपास आ जाती है, यानी जितना गेन इस शेयर की प्राइस में हुआ होता है वो वापस से पूरा गेन रिट्रेस हो जाता है। तो इस तरीके की जो कैंडल है ना वो आपको धोखा देने के लिए ही बनती है, क्योंकि पहले आप इन 3 व्हाइट सोल्जर्स को देखकर बाय कर लेंगे, आपको पता है क्योंकि ये बुलिश सिग्नल है, और उसके बाद एक बहुत तेजी से रेड कैंडल बन जाएगी जो कि आपका लॉस करवा देगी, आप उसे सेल कर देंगे और उसके बाद वापस से प्राइस बढ़ने लग जाएगी। तो अगर 3 व्हाइट सोल्जर्स बनने के बाद एक इस तरीके की बड़ी रेड कैंडल बनती है तो उसे हम बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक बोलते हैं। तो चलिए अब इसके पीछे की साइकोलॉजी भी समझ लेते हैं और उसके बाद हम इसके बेसिस पर ट्रेड कैसे लेना है वो भी जानेंगे। तो देखिए यहाँ पर शेयर की प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुई, तो मान लो 100 रुपए यहाँ पर शेयर की प्राइस थी और बढ़ते बढ़ते वो 150 रुपए पर यहाँ पर चली गई। अब 150 रुपए जाने के बाद यहाँ पर जिन लोगों ने 100 रुपए में बाय किया होगा उन्होंने सेल करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद प्राइस गिरने लग गई, और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट करना भी शुरू कर दिया होगा तो उसकी वजह से भी प्राइस बहुत ज्यादा गिर गई। लेकिन इसके बाद जब प्राइस गिरकर वापस 100 रुपए के पास आ गई ना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अब शेयर सस्ता मिल रहा है, जिसकी वजह से वो बाय करना स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद शेयर की प्राइस और तेजी से बढ़ सकती है। तो जब भी इस तरीके का पैटर्न बनता है तो उसके बेसिस पर ट्रेड कैसे लेना है चलिए वो भी समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि एक बुलिश 3 लाइन स्ट्राइक पैटर्न बन रखा है, तो अब अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो इसके ऊपर जो हमारी थर्ड वाली कैंडल बनी है अगर इसके बाद वापस से प्राइस रिकवर होकर इसके ऊपर जाती है तो आप यहां पर
बाय कर सकते हैं और अपना जो स्टॉप लॉस है वो इससे नीचे, यानी जो आपकी बड़ी वाली रेड कैंडल है उसके नीचे रख सकते हैं। खैर यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस है वो एक काफी बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो आप चाहें तो इससे पहले वाली कैंडल में भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो ये तरीका है बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न को ट्रेड करने का। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि देखो ये जो बुलिश स्ट्राइक पैटर्न है ना, ये अभी डाउन ट्रेंड में बना है और इसलिए ये बुलिश है। अगर मान लीजिए सेम पैटर्न अप ट्रेंड में जाकर बना होता, मतलब पहले भी शेयर की प्राइस बढ़ रही होती और उसके बाद ये इतनी बड़ी एक रेड कलर की कैंडल बनती, तो यहां पर शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। इसलिए जब ये डाउन ट्रेंड में बने तभी आप इसको एक बुलिश सिग्नल की तरह कंसीडर करें। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक, जो कि जस्ट अपोजिट है बुलिश थ्री लाइन स्ट्राइक का। और इसमें सबसे पहले थ्री ब्लैक क्रोस बनते हैं जो कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं, इससे पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद एक इतनी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है। और जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तब हम इसे बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न कंसीडर करते हैं। और इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये एक बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक पैटर्न है, तो इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। तो ये पैटर्न कैसे बनता है ये तो आपको समझ आ गया है। तो अब इसके पीछे की अगर साइकोलॉजी की बात करें तो देखो पहले स्टॉक की जो प्राइस थी वो लगातार बढ़ती जा रही थी और स्टॉक अप ट्रेंड में था, और उसके बाद तीन ब्लैक क्रोस बन जाते हैं जो कि हमें बेयरिश सिग्नल देते हैं, लेकिन उसके बाद हमें धोखा देने के लिए एक बड़ी सी ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है। और ये कैंडल इसलिए बन रही है क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने यहाँ पर शॉर्ट सेल किया होगा अब वो यहाँ पर अपनी जो पोजीशन है ना उसको क्लोज कर रहे होंगे, इसलिए उन्हें बाय करना पड़ रहा होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें लग रहा होगा कि शेयर सस्ता हो गया है, वो भी बाय कर रहे होंगे, जिसकी वजह से प्राइस बढ़ी है। लेकिन ओवरऑल जो स्टॉक है उसमें सेलर्स ही ज़्यादा एक्टिव हैं जिस वजह से शेयर की प्राइस गिरती है। और अगर इसके बाद जो शेयर है उसकी प्राइस गिरकर नीचे आ जाती है तो आप यहाँ पर कहीं पर एंट्री ले सकते हैं, आपका जो स्टॉप लॉस है वो आप इसके ऊपर यानी यहाँ पर कहीं पर रख सकते हैं। अगर ये स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो आप इससे पहले वाली कैंडल में यानी यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। अब यहां पर मैं एक पॉइंट आपको क्लियर कर दूं कि देखो ये बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक तभी है जब ये अप ट्रेंड में बन रहा है। अगर मान लो मार्केट पहले से गिर रहा होता, मार्केट डाउन ट्रेंड में होता और उसके बाद इस तरीके से थ्री ब्लैक क्रोस बनते, लेकिन उसके बाद अचानक से अगर मान लो इस तरीके की ग्रीन बड़ी कैंडल बन जाती तो उसे हम एक बुलिश सिग्नल कंसीडर करते, ना कि बेयरिश सिग्नल। और यहां पर मैं इसके नाम का मतलब आपको बताना भूल गया था, तो इसके नाम का जो मतलब है बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक वो ये है कि देखो ये जो हमारी बड़ी वाली कैंडल है इसने तीन कैंडल को क्योंकि काट दिया है इसलिए इसको बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक बोला जा रहा है। तो अब आपको बेयरिश थ्री लाइन स्ट्राइक भी समझ आ गया है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है इसका नाम है थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न। ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। और आपको पता है कि बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न डाउन ट्रेंड में बनते हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये आपको जो पैटर्न दिखाई दे रहा है ये है थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न, जिसमें सबसे पहली वाली जो कैंडल होती है वो एक बड़ी रेड कलर की कैंडल होती है, उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि जो हमारी रेड वाली कैंडल थी ना उसकी बॉडी के अंदर ही बनती है, और इसके बाद एक तीसरी ग्रीन कलर की कैंडल बनती है जो कि हमारी जो सेकंड वाली ग्रीन कलर की कैंडल थी उसके ऊपर जाकर क्लोज होती है। तो जब इस तरीके का पैटर्न बनता है तो इसे हम थ्री इनसाइड अप कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैंने आपको डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में बताया था कि ये हमारा बुलिश हरामी पैटर्न है, जिसमें जो रेड वाली कैंडल है ये एक मदर है और उसकी बॉडी के अंदर जो कैंडल बन रही है वो है बेबी, जो कि हमारी इस केस में ग्रीन कलर की कैंडल है। तो क्योंकि पहले से ही ये हमें बुलिश सिग्नल दे रही है तो इसके बाद जो तीसरी वाली कैंडल बन रही है ना ये एक तरह से कंफर्मेशन दे देती है कि इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, तो आप इसके बेसिस पर भी ट्रेड सकते हैं। और अगर आप इसके बेसिस पर ट्रेड लेते हैं तो वो ट्रेड आप कहां पे ले सकते हैं, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको इसके बेसिस पर ट्रेड लेना है तो ये जो तीसरी वाली कैंडल है इसके ऊपर यहां पर कहीं पर आप अपनी एंट्री ले सकते हैं, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो पहली वाली रेड कैंडल के नीचे यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि आपको क्या करना है। तो ये था थ्री इनसाइड अप पैटर्न। अब इसी तरीके से अगर हम बात करें थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न की, तो देखिए वो कैंडलस्टिक पैटर्न कुछ इस तरीके का बनता है, और ये एक बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी इसके बनने के बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। और बेयरिश कैंडलस्टिक पैटर्न कहां पर बनते हैं, वो बनते हैं चार्ट के टॉप में यानी अप ट्रेंड में बनते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो हमारी पहली कैंडल है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है,
जो हमारी दूसरी कैंडल है वो एक रेड कलर की कैंडल बनती है, जो कि हमारी जो ग्रीन कलर की कैंडल है ना उसकी बॉडी के अंदर बनती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो अगर इन दोनों कैंडल्स को ही ध्यान से देखें तो ये हमारी बियरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसमें जो हमारी रेड कलर की कैंडल है वो एक बेबी है और जो हमारी ग्रीन कलर की कैंडल है वो मदर है। तो ये दोनों मिलकर हमारी बियरिश हरामी पैटर्न बना रहे हैं, जो कि ऑलरेडी बियरिश सिग्नल देता है। और उसके बाद अगर आपको तीसरी एक इस तरीके की कैंडल देखने को मिलती है, जो कि जो हमारी सेकेंड वाली कैंडल थी उसके नीचे जाकर क्लोज होती है, तो उसको हम एक थ्री इनसाइड डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। और इसके बाद शेयर की प्राइस गिरने के चांसेस होते हैं। अब अगर आप इसके बेसिस पे ट्रेड लेना चाहते हैं तो क्योंकि ये एक बेयरिश सिग्नल देता है तो यहां पर आप शॉर्ट करने का ही ट्रेड ले सकते हैं। तो वो शॉर्ट सेल आप जैसे ही ये पैटर्न बन जाता है तो उसके नीचे यहां पर आप कहीं पर अपनी एंट्री ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो हमारी जो फर्स्ट वाली ग्रीन कैंडल है ना उसके ऊपर यानी यहां पर होगा। और टारगेट के लिए आपको पता ही है कि आपको क्या करना है, जब तक आपको कोई ऐसा सिग्नल ना मिल जाए जिससे आपको पता चले कि इसके बाद शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, आप वहां तक का टारगेट लेकर चल सकते हैं, और या फिर आप अपने 2 times ऑफ स्टॉप लॉस का टारगेट लेकर चल सकते हैं। लेकिन क्योंकि इस कैंडलस्टिक पैटर्न के कंप्लीट होते ही आप टोटल 30 कैंडलस्टिक पैटर्न सीख चुके हैं, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने आपको 10 सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न बताए थे, सेकंड वीडियो में हमने आपको 10 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बताए थे, और इस थर्ड वीडियो में हमने आपको 10 ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न बता दिए हैं। तो अब आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपको टारगेट कहां तक लेकर चलना है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर आपने मान लीजिए एंट्री ले ली, उसके बाद मान लो आपको कोई ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न मिल जाता है जो कि एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है और आपने यहां पर शॉर्ट सेल किया है, तो आपको समझ आ जाएगा कि यहां पर आपको बुलिश सिग्नल मिल रहा है, तो वहां तक आप अपना टारगेट लेकर चल पाएंगे। तो इसी के साथ आपका कैंडलस्टिक पैटर्न का कोर्स कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है या फिर आप इसको अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि हमारी जो तीनों वीडियोस हैं कैंडलस्टिक पैटर्न की, अगर आप इन्हें एक बार दोबारा देख लेंगे तो इससे आपको सब कुछ अच्छे से याद हो जाएगा। तो एक बार इन्हें दोबारा जरूर देख लीजिएगा, इसमें आपका थोड़ा सा टाइम तो जाएगा लेकिन आपको जो लर्निंग मिलेगी वो आपके लाइफ टाइम काम आएगी। और ये जो कोर्स है ये बहुत सारे लोग पेड कोर्स बनाकर कई हजार रुपए में बेचते हैं, हमने आपको फ्री में सिखाया है। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप के स्टेटस में लगा दीजिएगा। और हाँ, मैंने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब आपने कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अब ये जो 30 कैंडलस्टिक पैटर्न हमने आपको बताए हैं, इसके अलावा भी अगर कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न हमसे छूट गए हैं तो आप उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में बताइए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की भी कोशिश करेंगे। अगर आप बिल्कुल फ्री और बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, हमारा स्टॉक मार्केट मास्टरी कोर्स बाय करना चाहते हैं या फिर हमारी बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं, तो सभी चीजों का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने यहां तक वीडियो देखी है तो आप हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।